मैं समझ नहीं पा रही हूँ, हम जानवर से इंसान बने हैं या इंसान से जानवर बनते जा रहे हैं? क्या हम सच में आज़ाद हैं? अंग्रेज तो चले गए, फिर भी हम डरे डरे से क्यों हैं? हमें थोड़ी नई सोच की ज़रूरत है, लड़कियों की सुरक्षा के लिए। पर क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। पहला, कंसेंट इन करिकुलम, यानी हमें बचपन से ही स्कूल की किताबों में सिखाया जाना चाहिए कि किसी के साथ कुछ भी करने से पहले उसकी मर्जी और सहमति बहुत ज़रूरी है। कोई भी ज़बरदस्ती एक जुर्म माना जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे सिग्नल तोड़ना जुर्म है। ऐसे विषयों को हमारे किताबों में बहुत अहमियत मिलनी चाहिए। दूसरा, नो टॉलरेंस, लड़कियों को नाजुक कलियों जैसे पालना बंद करना होगा। खुद की सुरक्षा और तन और मन की मजबूती बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ाई लिखाई, चूल्हा संभालना या आत्मनिर्भरता काफ़ी नहीं है, पैसे कमाना भी काफ़ी नहीं है। और बेरहमी और हिंसा को सहन करना संस्कारी होना नहीं है, ये बात समझनी होगी। खुद को बिचारी मत कहलाओ, बहुत ज़्यादा समझौतों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए हमारे समाज में। तीसरा, लिसन टू सर्वाइवर्स, जो हिंसा और निर्दयता से बाहर आ चुके हैं उनके अनुभव सुनना बहुत ज़रूरी है, कैसे उन्होंने ये रास्ता पार किया ये जानना चाहिए। चौथा, स्ट्रिक्टनेस, महिला और पुरुष पुलिस कर्मचारियों को आम लोगों की सुरक्षा में ज़्यादा रहना चाहिए, पर ज़्यादा सिक्योरिटी समाज के ऊंचे दर्जे के लोगों को मिलती है। और पता है, 20 लाख लोगों के पीछे सिर्फ 15 जज हैं, तो कब और कैसे मिलेगा इंसाफ? नाजुक केसेस में देरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और सज़ा भी बहुत कड़ी होनी चाहिए। पांचवा, स्टैंड विद देम, तमाशा देखने से सिर्फ नुकसान होगा। जिनके साथ हादसा हुआ है उन्हें नीचा दिखाना या उन्हें दोष देना बहुत गलत है। लोग उनका साथ देने से डरते हैं क्योंकि या तो उन्हें डराया धमकाया जाता है या फिर कानूनी कार्रवाई में फंसा दिया जाता है। कुछ नियमों और कागजी कार्रवाइयों को आसान बनाना बहुत ज़रूरी है। हमें सच्चाई को आज़ाद करना है, कैद नहीं। जैसे कोई भी सच का साथ देने से डरे ना। आपके भी कुछ सुझाव हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।